Hi, this is Paris Kalnawat. Hi, this is Neeti Taylor, and you're watching us on E Times. I avoid showcasing smoking and drinking because yeah, मैं अपने लाइफ में कभी ना किया है, मैंने ना कभी ट्राई किया है, ना ही मैं इन्फ्लुएंस करना चाहूंगा. जिन लोगों ने झलक देखा है उनको पता होगा वो कौन पर्सन है, बट anyway, जिन लोगों ने झलक देखा उनको भी पता होगा कि मैंने किसको अनफॉलो किया है. जिसने मेरे को अनफॉलो किया, किसने किया है? Yes, sir. तो बहुत ज़्यादा क्यूट है और यू नो कुछ अगर उसे कोई किसी को मनवाना भी होता है किसी चीज़ से, एक बार प्यार से बोले तो इंसान मान जाता है. तो या ये है टैलेंट. सुन रहे हो तो कभी मानना मत, हाँ बातों में मत आ जाना. आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को पूछा. हाँ, बिकॉज हम दोनों को जब पता चला एक हम दोनों हैं तो फिर तो एक्साइटमेंट तो बढ़ी गई थी. फैंस को एक्चुअली बहुत प्यार से हैंडल करना चाहिए ऑनेस्टली, बिकॉज फैंस है तो हम हैं. बिकॉज अगर कहीं ना कहीं हमें लोग जानते हैं, हमें प्यार करते हैं, हम कोई भी शो करें, हमें कोई भी शो में वोट्स आते हैं, चैनल पे TRPs आती है, वो सब कुछ आपके फैंस, आपके जितनी भी जनता है, ऑडियंस है, उनकी वजह से है. तो कहीं ना कहीं यू नो उनके दिल में आपके लिए वो जगह रहती है, वो जो क्रेज़ रहता है, वो पागलपन रहता है, तो वो हमेशा प्यार से लेना चाहिए. बहुत सारे ऐसे क्रेज़ी फैंस भी होते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे टकरा जाते हैं, सो उन्हें भी आपने एक तरीके से पॉजिटिवली ही लेना चाहिए, बिकॉज वो लोग इस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं बिकॉज वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं. तो फैंस को मैं यही कहूँगा कि हमेशा हम जितने भी हम लोग एक्टर्स हैं, जितने भी कलाकार हैं, तो वो यहाँ पर इस मकाम पर है अपने फैंस की वजह से, तो प्यार से ही लेना चाहिए हमेशा. एंड हमें हमेशा प्यार करते रहिए, बिकॉज आपकी दुआओं से हम इतना अच्छा कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही प्यार निभाते रहिए और हम करते रहेंगे. यस, आई अवॉइड शोकेसिंग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बिकॉज मैं अपने लाइफ में कभी ना किया है, मैंने ना कभी ट्राई किया है, ना ही मैं इन्फ्लुएंस करना चाहूँगा. इनफैक्ट आई टेल ऑल माई फ्रेंड्स जो मेरे आस पास है टू रिड्यूस इट और स्टॉप इट. तो मैं ये कभी भी यंगस्टर्स को और जितने भी हमारे यू नो जो हमें देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं उन्हें मैं कभी सलाह दूंगा ही नहीं. कभी अगर किसी शूट की वजह से मुझे करना पड़े तो वो अलग बात है, बट मैं कभी शोकेस नहीं करना चाहूँगा अपने सोशल मीडिया पर. मी टू, मैं तो बहुत ही ऐसे ही जैसे मैंने मेंटेन करके रखा है वैसे ही करना है, बिकॉज आपको नहीं पता अगर आपके लिए भी गलत हैबिट ना हो किसी और के लिए हो जाएगी. सो यू नेवर नो, बिकॉज कोई भी कुछ भी पकड़ लेता है. सो इट्स वेरी, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आई पोस्ट, एंड इवन स्टोरीज जब डालते हो फ्रेंड्स के साथ, सो इवन इफ दे आर डूइंग समथिंग आई मेक श्योर कि चलो क्लोज फ्रेंड्स में डालो, लेकिन ऐसे पोस्ट नहीं करना बिकॉज इट इज नॉट नाइस. राइट, सी टाइम तो हर चीज के लिए निकालना पड़ता है, एंड यू नो वी आर हियर टू गिव ऑल द लव टू द क्रिएटर्स हु हैव एनरोल्ड फॉर द सोशल स्क्वाड सीजन 2, एंड हम लोग उन्हें ही यू नो एनकरेज करने आए हैं आज, और उन्हें थैंक्स कहने आए हैं टू फॉर एनरोलिंग फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव एंड ग्रेट कैंपेन, बिकॉज इनमें इसके वजह से उनकी लाइफ में भी डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उनकी लाइफ में एक बूस्ट आएगा. द बूस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में. आप बहुत अच्छा कर भी रहते हो तो आपको एक हल्का सा पुश चाहिए होता है अपनी लाइफ में, सो दैट आप वो मकाम के करीब पहुंच जाओ जो आप चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो. सो या हम लोग यहां पर है उन्हीं लोगों को एनकरेज करने के लिए, और वक्त तो निकालना ही पड़ता है हर चीज़ के लिए. कुछ लोग 7 बजे सुबह को शूट करके आते हैं यहाँ और कुछ लोग यहाँ से शूट कर, हाँ सो अपना चालू ही है, बट लाइफ गोज ऑन एंड शूटिंग तो होती रहती है, बट यू ऑलवेज हैव टू टेक आउट टाइम फॉर समथिंग दैट यू लव, एंड एक्टिंग वी लव, एंड दिस ऑल्सो वी लव, सो वी आर हियर टू सपोर्ट एंड गिव ऑल आवर लव. आई तो लव वेयरिंग कैजुअल. मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ लाइफ में, मुझे कैजुअल ही रहना पसंद है. मैं कभी अगर कोई पब्लिक अपीयरेंस देता भी हूँ तो आई जस्ट वांट टू बी वेरी कंफर्टेबल. आई डोंट वांट टू वेयर समथिंग वेरी ब्लिंग और विच इज़ समथिंग वेरी अनकंफर्टेबल फॉर माई सेल्फ. सो मैं अपना कैजुअल लुक ही हमेशा कैरी करता हूँ जो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है. हाँ, टू बिकॉज आई एम डूइंग लाइक वी आर डूइंग शो, सो इसलिए आई वॉज लाइक इंडियन से निकल के थोड़ा वेस्टर्न करते हैं आज, बिकॉज थोड़ा डिफरेंट लुक भी आ जाएगा, बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम पे भी सेम लुक्स ही जा रहे हैं. सो आई वॉज लाइक लेट्स बी लिटिल क्रिएटिव. सो टुडे एक्चुअली फर्स्ट टाइम आई मस्ट बी वेयरिंग ब्लैक फुली, सो आई वॉज लाइक ओके, बट येस ऑल्सो विद कम्फर्ट, बिकॉज
आई लाइक, मेरे को ठंड ज्यादा लगती है, सो आई हैव अ कोट इधर. बट या ऑलवेज ड्रेस कंफर्टेबली एंड व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल इन. नहीं, आई हैव फॉलोड फ्यू ऑफ माय फैंस आल्सो, देयर आर मेनी मेनी पीपल आई हैव फॉलोड बिकॉज़ यू नो समवेयर आई कनेक्टेड विद देम and somewhere I loved how hard they were working to make me happy by the edits and all the DMs. But unfollow to kisi ko nahi kiya abhi recently. Nahi, mere ko kisi ne unfollow kiya to maine. Mujhe kisi ne kiya unfollow. हाँ. जिन लोगों ने झलक देखा है उनको पता होगा वो कौन पर्सन है. बट एनीवे, जिन लोगों ने झलक देखा उनको भी पता होगा कि मैंने किसको अनफॉलो किया है. जिसने मेरे को अनफॉलो किया, किसने किया है? Yes, sir. किसने किया है? पता ये तो मुझे भी नहीं पता. नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए लाइफ में. अभी हम लोग एक्चुअली पहली बार उनसे मिलने, हाँ, उनसे मिलने वाले हैं अभी, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. एंड फिर हम चूज करेंगे हमारा फेवरेट कौन है और डेफिनेटली हम बताएंगे उस बारे में. प्लीज आप तो पहले मैं शुरू करूँ. शी इज एक्चुअली वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन टू एवरीबॉडी अराउंड. तो शी इज वेरी परफेक्ट विथ हाउ टू टॉक टू अदर्स. सो पहली पॉइंट तो वो है. सेकेंड पॉइंट आई वुड से दैट शी रिस्पेक्ट्स एवरीबॉडी. लाइक आई हैव सीन हर रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी अराउंड हर, चाहे वो कोई भी हो. एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, आई वुड से दैट शी इज एक्सट्रीमली क्यूट. या वो सबको पता है, तो बहुत ज़्यादा क्यूट है. और यू नो कुछ अगर उसे कोई किसी को मनवाना भी होता है किसी चीज़ से, एक बार प्यार से बोले तो इंसान मान जाता है. तो या ये है टैलेंट. सुन रहे हो तो कभी मानना मत, हाँ, बातों में मत आ जाना. ओके, आगे बढ़ते हुए मेरी टर्न. सो आई थिंक पारस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू इन झलक जब हमारी रिहर्सल्स हो रहे थे. एंड मेरे को कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से इनके बारे में पता चला. सो आई वॉज लाइक, हाई, यू आर द सेम गाय, आई डोंट नो इफ यू नो मी. सो दैट्स हाउ वी कनेक्टेड. आई थिंक इज वेरी डाउन टू अर्थ. फर्स्ट पॉइंट, वेरी डाउन टू अर्थ. सेकेंड पॉइंट, वेरी हेल्पफुल. मुझे मेरा आईफोन, आई मीन ही हेल्प मी आउट. ही स्पोक टू समवन एंड मैंने बस ऐसे बोला कि यार कलर नहीं मिल रहा और ये नहीं मिल रहा, जी भी जो भी है. सो ही जस्ट मिला आउट फोन एंड देन बिकॉज ऑफ हिम. और आज भी मैंने बोला इट वॉज बिकॉज ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच. आई एम गोना टेक द फोन नाउ. वी हैड द सेम फोन, सेम कलर, एवरीथिंग, है ना? सेम स्टोरेज, सेम स्टोर. हां, आई नो हु गेव इट आल्सो. या और मेरा थर्ड पॉइंट, that he is very very sweet. Like he said ki I respect everybody, I talk to everybody nicely. I think he does the same and that's how we also bond. Yeah, because there is no aisa pride ya aisa attitude. Exactly. Kuch bhi nahi hai aisa. Exactly. Do bari sochna nahi padta ek dusre ko, you know, just like listen if you are going down, let's go down together, you know. It's just small little things that make it good. Hum bahut zyada zameen se jude hue log hai. Haan. Aur hame farak hi nahi padta honestly. Zameen se jude hue bahut zyada zameen hum. Haan, Gucci. Not talking about the brand. That is the first time I noticed also. I was like, oh wow. I was like, Yeah. But no air about it. Yeah, so that's the best. Yeah. कि प्लीज जैसे आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा जो नया वेंचर है एज बीइंग एम्बेसडर्स, प्लीज सपोर्ट कलर सोशल स्क्वाड 2 एंड आल्सो एनरोल योरसेल्फ एज कलर सोशल स्क्वाड 3 एंड गिव अस इतना प्यार कि वी ओनली हैव टू कम बैक. एंड प्लीज कीप क्रिएटिंग ऑल द लवली कंटेंट, आई वुड से, बिकॉज दैट्स एक्चुअली trending these days. It is trending. It is. Just show your love and do whatever you love. Yeah. And that's it. That's it. Cool.